बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का फजल करम और शुक्र के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, जिस दिन का इंतज़ार था आपको पता है कि हमारे गांव में माशाल्लाह मेला चल रहा है। आज 1 जून है और मेला शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, माशाल्लाह मौसम काफ़ी खूबसूरत खुशगवार हो गया। अभी चलते हैं मेले के अंदर, आगे कोई क्या रूटीन है आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। माशा काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह रश हो गया और मेले के अंदर पांव रखने की जगह नहीं है। सबसे पहले चलते हैं अभी मेले के अंदर, जो भी कोई रूटीन है आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अभी हम बाज़ार में आ गए हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं मिलने वाले, माशाल्लाह चाहने वाले हमारे सब्सक्राइबर भाई मिले हैं हमें। ये कह रहे थे भाई हमें भी अपने व्लॉग में ले लो, तो माशाल्लाह ये भाई हैं मेरे। आपका नाम? राना मोहसन है। आपका नाम सर? राना तजम्मल। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे भाई हैं ये। मैं व्लॉग बना रहा था, मुझे देखते ही कहते हैं कि यार भाई आप हमें भी व्लॉग में ले लो। ठीक है सर, आप व्लॉग में आ गए हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं, इन्हीं से सुन भाजी। यही कहना चाह रहे हैं कि इन्हों का व्लॉग बड़ा चंगा होता है, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, बस मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। और इधर माशाल्लाह वैस भाई भी आ गए हैं और बिलाल भाई भी आ गए हैं, बाबर भाई और उस्मान भाई भी आ गए हैं। अभी हम आए हुए हैं कश्ती के ऊपर, कश्ती के ऊपर मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। आप यहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि कितना रश है मेले के अंदर। माशाल्लाह लाहौर से हमारे दोस्त आए हैं, स्पेशली उर्स मुबारक के लिए आए हैं। माशाल्लाह शहर हमारे चाचू हैं शहर, इनके साथ ही आए हैं लाहौर से उर्स मुबारक देखने के लिए। ये रहे हमारे जाहद भाई, ये भी लाहौर से आए हैं माशाल्लाह। ये भी अपने सब्सक्राइबर हैं।
व्यूअर्स, अभी हम आए हैं लंगर खाने में। यहाँ पे लंगर तैयार हो रहा है, दूसरी साइड पे लंगर खिलाया जा रहा था, लेकिन अभी लंगर खिलाने का इंतज़ाम है जो ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे रोटियाँ बनाई जा रही हैं, तंदूर लगा और हमारे भाई माशाल्लाह रोटियाँ तैयार कर रहे हैं। इस तरफ रोटियां तैयार हो रही हैं और इस तरफ देगियां बन रही हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई हैं हमारे शेफ, जो उनके साथ ही भाई आए हुए हैं, शेफ हैं ये, और ये कह रहे हैं कि मीठा चावल बनाया मैंने, तो ये भी चेक करवाएं। माशाल्लाह लंगर में मीठे चावल भी बने हुए हैं सरदा। ये रहे हमारे शेफ शबीर हसैन साहब, इन्होंने ही सारा यहाँ का लंगर तैयार किया। तकरीबन ये 3-4 दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि बना क्या क्या है। मैंने देखो, मैं देखा नहीं कि क्या क्या बना है। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं दो तीन दिन तो देख रहे हैं जनाब, माशाल्लाह सरकारां दा लंगर तैयार कर रहे हैं। अज लंगर के अंदर की तैयार होया जनाब? अज दाल पकाई है जी, मिठे चौल, नमकीन चौल, बिरयानी। अच्छा जी, हाँ हलीम पकाया जी। लंगर माशाल्लाह सुबह से चल रहा है, सुबह से बकरा भी चल रहा है। कितने दिन तो तुसी लंगर तैयार कर रहे थे? आज 8 दिन भी चल रहा है जी। ये कह रहे हैं कि 8 दिन हो गए हैं यहाँ पे लंगर तैयार कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था, मैंने आपको 4 दिन बताया था, वाकई 8 दिन हो गया, काफ़ी दिन पहले। 3 से 4 दिन तो मुझे हो गया कमेंट्री करते हुए, यहाँ का व्लॉग बनाते हुए, तो ये पहले के बना रहे हैं। वैसे भी हर जुमेरात को जहाँ लंगर शरीफ बनाया जाता है तो यही बनाते हैं। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जायका है इनके हाथ में, तो अभी कोशिश करते हैं कि अगर तो लंगर हुआ तो ख़ुद भी करते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं सारे दोस्त, लंगर कर रहे हैं। लंगर में सिर्फ हम हलीम लेके आए हैं साथ, बना गोश्त भी बना हुआ है, छोटा गोश्त भी बना है, बड़ा गोश्त भी बना है, चावल भी बने हुए हैं, लेकिन सब कह रहे हैं कि हमने हलीम और रोटी ही खानी है, तो सब लंगर कर रहे हैं अभी मेरे समेत। ये ना सोचिएगा कि मैं लंगर नहीं कर रहा, मैं भी इनके साथ ही बैठा हूँ। माशाल्लाह बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है और बारिश में पकोड़े बन रहे हैं, यह आपने देखा है, गरम गरम पकोड़े बन रहे हैं। बारिश इतनी तेज़ लगी हुई है ना कि कोई समझ नहीं आ रहे, सारे चिकड़ ही चिकड़ बन गया है और पाँव स्लिप हो रहा है।
उन्हें भी अपने व्लॉग में ले लो। तो सर आपका नाम क्या है? अली हैदर। अली हैदर, आपका नाम क्या भैया? अली। अली, अली जैन। हसैन, जैन, दोनों दोस्त अली अली। भाई का नाम जैन है जी जी, इनका अली है, और आपका? मेरा नाम भी अली है। इनका नाम भी अली है। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यार हमें आप व्लॉग में ले के आओ, तो कोई मसला नहीं व्लॉग में लेना, हमारा हक है, क्योंकि जब चाहने वाले मिलें तो उनकी वीडियो ना बनाए, ये तो हो नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। गरम गरम जलेबियाँ निकल रही हैं, तो मैंने सोचा घर वापस जा रहे हैं अभी, तो चलो जलेबियाँ ले जाते हैं घर वालों के लिए। वैसे भी बारिश हो रही है, तो माशाल्लाह जलेबियाँ खाने का दिल चाह रहा था। गरम गरम पाए सारियाँ, जलेबियाँ ले ली हैं। तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ सोच रहा हूँ कि घर चले जाएं अभी, क्योंकि बारिश हो रही है, स्लिपिंग भी काफ़ी ज़्यादा, पे रुकना बेवकूफ़ी है, रश काफ़ी ज़्यादा है बाजार में। लेकिन हम सुबह सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे, अभी थक भी गए हैं, सर को भी दर्द हो रही है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि घर चले जाएं अभी। तो क्वाली का टाइम है, इंशाल्लाह वापस आएँगे। बारिश हो रही है, पता नहीं अब क्वाली होती है या कैंसिल हो जाती है, इसको इसका कोई पता नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर क्वाली होगी तो ज़रूर आएँगे, बस अल्लाह खैर करे, बारिश रुक गई तो क्वाली हो गई। तो अभी चलते हैं घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, मेले से घर वापस आ गए हैं, आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, सब दोस्त इकट्ठे थे और घूमते रहे, बारिश भी हो रही थी इसके बावजूद भी घूमते रहे, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है आज। और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई, अभी नींद भी बहुत आ रही है, सोने को दिल चाह रहा, रात को भी जागता रहा मैं काफ़ी देर, सुबह तकरीबन 2 घंटे मैं सोया, लेकिन नींद भी पूरी नहीं, अभी सोना नहीं है। आज क्वाली भी है, मेला तो ख़त्म हो गया, अभी क्वाली होनी है, तो बारिश हो रही है, यूं ही बारिश रुकती है तो क्वाली पे जाना है। तो माशाल्लाह काफ़ी एंजॉय किया है, दुआ कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बारिश रुके और हम जाएं क्वाली देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं, इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम और फ़ज़ल फरमाए, अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सब को दोनों जहाँ की खुशियाँ नसीब करे। इसी के साथ मोहम्मद जुनैद को अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।